मेरा नाम हरजोत सिंह है, मेरे मम्मी और मेरे डैडी। हरजोत की किडनी खराब हो गई थी, असी एलकमिस्ट हस्पताल गए, उत्थे सानू बहुत वधिया सांभिया संभालिया, मुंडे का इलाज बहुत वधिया करिया, इको एक मुंडा मेरा, तो हुण इह बिल्कुल ठीक ठाक आ। अज जी असी अपने हरजोत दे और साढ़े चाचा जी मेवा सिंह दे उहदे करके खुशी करके हंड पाठ प्रकाश करवाया, ते अज भोग पिया जी उहनां दा। सब तो पहला 2018 च पता लग्गिया सीगा वी मैनू किडनी प्रॉब्लम आ, क्योंकि मेरी निगाह बहुत वीकनैस वीक हो गई सी, ते जो मैं निगाह चैक कराउण लई गया तां उत्थे जाके मैनू कन्फर्म होया वी मैनू किडनी प्रॉब्लम आ। सब तो पहला मतलब कि इहदे थोड़ी थोड़ी आईसाइट वीक हुंदी सी, बीपी वधण करके इहनूं लगदा सी कि मेरियां अखां खराब हो गईयां ने। असीं अखां वाले होस्पिटल दे विच दिखाया तां उहनां ने इहदा जदों बीपी चैक कीता तां बीपी बहुत ज़्यादा हाई सीगा, ते उहनां ने जदों इहनां दा देखिया वी है ना इहदियां किडनियां डैमेज हो गईयां, उहनां ने टैसट वगैरह कीता। 2018 तों बाद मैं अपनी मैडिसिन शुरू कीती, जो भी सी 6 महीने मैं मैडिसिन खाने तों बाद डायलिसिस ते चले गया सी। उस तो बाद मैंने रिकमेंड किया भी एलकमिस्ट हॉस्पिटल पंचकूला तो तुसी अपना ट्रीटमेंट लो, तो फिर मैं 2019 के शुरू में ही एलकमिस्ट हॉस्पिटल पंचकूला चले गया सी, ते उत्थे मैनू नॉर्मली सब कुछ ओके हो गया सी, ते बेस्ट ट्रीटमेंट मिले उत्थे। डॉक्टर नीरज ने इहदा अगे दा ट्रीटमेंट सारा किया, डॉक्टर नीरज दे ने इहदा ट्रांसप्लांट किया, तो उत्थे जाके मतलब कि वधिया लग्या वी इहदा ट्रांसप्लांट सक्सैसफुल रहा, हुण 3 महीने हो गए ने, वधिया रोटी पानी खाँदा एंड ठीक है। तो जो भी मेरी रिस्पोंसिबिलिटी सी घर दी, जो भी हुंदा सीगा मैं जो करदा सी देख रेख करदा सी वो मेरे डैडी नूं करनी पै गई, तो मेरी मम्मी हाइपर रहिंदे सीगे, रोटी पानी दा भी बहुत औखा होया होया सी। ये हरजोत उन मरीज़ों में से है जो कि डायलिसिस बहुत अच्छे से टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे, इनको आई गेस 2 महीने में 2 या 3 बार ये हॉस्पिटलाइज हुए हैं अलग अलग अस्पतालों में बिकॉज ऑफ निमोनिया ब्लड इन्फेक्शन, तो हमारे पास आए। तो मेन जो प्रॉब्लम था इनका एक था डोनर रिलेटेड इशू, कि फर्स्ट फैमिली में कोई भी ब्लड ग्रुप मैच करता हुआ डोनर नहीं था, फिर इनके दादाजी ग्रैंडफादर और उनके भाई देवर द पोटेंशियल डोनर्स, हमने उनको स्क्रीन किया एंड देवर फाउंड टू बी फिट फॉर डोनेशन। किडनी मेरे दादाजी ने दित्ती सीगी, उन्हां दी मैच हो गई सीगी, ते उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद वी उन्होंने साडी एट ए टाइम ते आके बहुत मदद कीती। मेरा पोता सीगा जी, इहदियां किडनियां खराब हो गईयां, मेरे नाल मैच हो गईयां, ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਖੇਚਲ ਕੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਵਾਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਜੈਸੇ ਇਨਕਾ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਥਾ ਵੋ ਥਾ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਤੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਲਗਭਗ ਇਨਕੋ 5-6 ਦਵਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਥੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ, ਔਰ ਤੋ ਵੀ ਇਨਕਾ ਅੱਛੇ ਸੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹਾ ਥਾ। ਜੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੂਆ ਹੈ ਗ੍ਰੈਜੁਅਲੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਨੇ ਲਗਾ ਹੈ, जो हार्ट पहले थोड़ा कम पंप कर रहा था जो कमज़ोरी थी वो भी बहुत अच्छे से रिकवर किया है, और धीरे धीरे प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद इनकी आँखों की रोशनी भी वापस आ गई है। ही इज़ इनटू हिज नॉर्मल रूटीन, जैसे मुझे बताता है कि जी खेतों में जाना अपना काम धंधा करना सब, ही इज़ बैक इनटू हिज नॉर्मल लाइफ। हस्पताल वाले डॉक्टर सारे बहुत बढ़िया ने, बहुत वधिया देखते हैं, बहुत वधिया केयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। जब साडा मुंडा ठीक हो गया हुण बिल्कुल ठीक है, साडे नाल आ, अज सानू बहुत खुशी थी, साडे बच्चा भी ठीक है, साडा साडे चाचा जी भी एन ठीक ने, असी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं डॉक्टर साहब का सारे स्टाफ का जी। स्पैशल थैंक्स टू डॉक्टर नीरज गोयल, ऑल स्पैशल थैंक्स फॉर डायलिसिस स्टाफ।